तो ये हम लोगों ने गेस्ट रूम विथ किड्स रूम के हिसाब से हम लोगों ने इस बेड को बेडरूम को डिज़ाइन किया है। सबसे पहले जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, ये हमारा वार्डरोब का साइड एलिवेशन साइड बॉडी है और यहाँ पे हम लोगों ने एक मिरर पुट किया है। मिरर लगाने के बाद यहाँ पे एक स्पॉट लाइट दिया है ताकि यहाँ पे जो ड्रेसिंग यूनिट का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। इसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने एक रैक दिया है। रैक के नीचे में भी आपको लाइट वगैरह मिल जा रहा है और यहाँ पे स्पॉट लाइट आपको मिल जा रहा है। और जस्ट इसी साइड में अगर मैं दरवाज़ा यहाँ पे आपको दिखाऊं तो दरवाज़ा के ऊपर में ही यहाँ पे आपको एक लॉफ्ट मिल जा रहा है, जो कि आप लॉफ्ट यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपको लॉफ्ट मिल जा रहा है और लॉफ्ट के साथ में ही यहाँ पे हम लोगों ने एसी पैनलिंग किया है, जहाँ पे एसी का जगह जो था वो वहीं पे है। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे फोल्डिंग सिस्टम किया है ताकि कल दिन अगर कुछ सर्विसिंग करना है तो आप एसी का पैनल का बीच का एरिया खोल सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेड के बीच में हम लोगों ने क्लोज से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वॉलपेपर दिया है, जो कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गोल्डन कलर का ये हमारा टेक्सचर वॉलपेपर है, जो कि काफ़ी सुंदर काफ़ी प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे दोनों लोगों का पिक्चर, दोनों भाई बहन का, बहुत ही प्यारा। उसके साथ में ये हमारा प्यारा सा मेम्बर, फैमिली मेम्बर घर का। तो ये हमारा बेडरूम, बेड के साइड में हम लोगों ने यहाँ से इंट तक हम लोगों ने यहाँ पे हेडबोर्ड का कुशनिंग किया है। और यहाँ पे आप साइड टेबल में दोनों साइड में ड्रायर आप देख सकते हैं, जो कि जगह सामान वगैरह इनका रखा हुआ है। और ये जो बेड का साइज़ है, ये हमारा किंग साइज़ का बेड है, जो कि 7x6 का बेड है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। और इस साइड में अगर आप बेड में देखोगे तो दोनों साइड में हम लोगों ने ड्रायर दिया है। और यहाँ पे हेडबोर्ड के ऊपर में इस जगह में हम लोगों ने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट दी है, ताकि नीचे से भी आपको लाइट का जो इनडायरेक्ट एलिवेशन है वो वॉल में पड़े और नीचे ऊपर से नीचे आए। तो ये मिडिल का जो वॉल है, ये गोल्डन इफेक्ट जो आ रहा है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से आप अपना बेडरूम का डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप, मैं आपको वार्डरोब दिखाऊं तो ये वार्डरोब में हम लोगों ने यहाँ पे चारकोल दिया है, जो कि स्लाइडिंग वार्डरोब है हमारा। सारा इनका सामान वगैरह भी यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये दोनों हम लोगों का स्लाइडिंग वार्डरोब हो गया यहाँ पे। और अगर मैं बेड की डिज़ाइन की बात करूँ तो बेड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चारकोल हम लोगों ने यहाँ पे बेड के साथ में डिज़ाइन किया हुआ है। और इसी के साथ में अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये हमारा स्टडी टेबल है, जो कि वॉल के अंदर वाला एरिया में हम लोगों ने यहाँ पे किया है। और अगर मैं इसके डिप की बात करूँ तो ये अराउंड आपको 20 से 22 इंच का डिप मिलता है। यहाँ पे आपको ड्रायर मिलता है और यहाँ पे आपको एक पल्ला मिल जा रहा है, जो कि स्टोरेज वगैरह के लिए है। और यहाँ पे कीपैड का ट्रे है, जैसे आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, कीपैड का ट्रे। और ऊपर में यहाँ पे एक आपको निस मिल जा रहा है, रैक वगैरह सामान वगैरह रखने के लिए। और वहाँ पे ऊपर में आपको दोनों साइड में ओपन और दोनों साइड में आपको पल्ला मिल जा रहा है, बुक वगैरह रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। और अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग यहाँ पे हम लोगों ने प्लेन किया हुआ है। प्लेन के साथ में यहाँ पे हम लोगों ने 6 वाट का पैनल लाइट यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे विंडो के साथ कर्टन, जो कि वाइट एंड थोड़ा पॉपअप कलर, मतलब ये स्काई कलर का हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, मैम ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जो कि काफ़ी सुंदर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल इस रूम का डिज़ाइन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अगर मैं ये रूम की साइज़ की बात करूँ तो ये अराउंड हमारा 13x12 का ये हमारा बेडरूम है, जो कि काफ़ी सुंदर काफ़ी प्यारा एक बेडरूम का आउटलुक आपको देखने को मिल रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेडरूम का डिज़ाइन है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको बेडरूम का डिज़ाइन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।